हमें तुम्हारी बहन के लिए अफसोस है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी राह चलती को घर ले आओ। हम इसे अपने घर की बहू नहीं मानेंगे अरमान पोतार। सभी घर वालों के सामने आएगा अरमान और अबीरा का सच, जहां दादी फिर से भड़क जाएगी अरमान पे और मना कर देगी अबीरा को अपने घर की बहू मानने से। अब कौन सी परिवार की इज्जत को चार चांद लग गए हैं? स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में, जिससे कि अब तक आप सभी ने देखा कि अरमान चुपके से अबीरा को अपने रूम में लेकर आते हैं, वहीं वो अपने भाई का मदद लेंगे। जी हाँ, वो राहुल का मदद लेते हैं और वो उसके मदद से राहुल और रूही एक प्लान बनाते हैं, जहाँ राहुल और रूही कहते हैं कि वो घर वालों के लिए सरप्राइज लाए हैं, इसलिए सभी को मेन गेट पे बुलाते हैं पूजा की थाली के साथ। जब घर वाले पूछते हैं उसका सरप्राइज क्या है, तब अबीरा और अरमान सामने आते हैं और अबीरा और अरमान को देखकर दादी और सभी घर वाले काफ़ी ही भड़क जाते हैं, जहाँ वो अबीरा को अपने घर की बहू मानने से इनकार करते हैं। इतना ही नहीं, दादी कहती है कि वो राह चल क्या, सभी ने देखा भाभी की एंट्री हो गई है, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, सब लोग बहुत खुश थे, बट नाउ नई भाभी की एंट्री होने के बाद एवरीवन इज डिसअपॉइंटेड एंड ये लड़की भी जो है ऑलरेडी हमारी नानी के उनसे पटरी नहीं खाती, आप सभी ने देखा हुआ है, सो इट इज़ गेटिंग वेरी डिफिकल्ट नाउ एंड वी आर एक्चुअली थिंकिंग कि अभी आगे क्या हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, अबीरा जिसको हम पसंद ही नहीं करते हमारे घर की, वो हमारे घर की बहू बन के आ जाएगी, तो ऑलरेडी बहुत शॉकिंग है लोगों के लिए एंड जो हमारे भैया हैं सबके इतने फेवरेट हैं, बट वो कुछ ऐसी गलती कर दी है कि अभी उसे मेंट करना है वेरी डिफिकल्ट, तो यू नेवर नो व्हाट विल हैपन एंड इवेंचुअली बहुत कुछ होगा सब, मतलब कहते हैं ना चिंगारी पड़ चुकी है, आग लगना बाकी है बस। ओ काली जुबान, उड़वा दिया ना फ्यूज। अरे इन्वर्टर ऑन करो जल्दी। अब कौन सी परिवार की इज्जत को चार चांद लग गए हैं? हमें तुम्हारी बहन के लिए अफसोस है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी राह चलती को घर ले आओ। हम इसे अपने घर की बहू नहीं मानेंगे अरमान पोतार। कोई माने या ना माने, सच सच ही होता है मासा। सच ही है।